नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। इसी के साथ बुलेटिन का करते आगाज और सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वंशावली में बहन बेटी का नाम देना अनिवार्य। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। डीआईजी से नीचे रैंक के अधिकारी दर्ज नहीं कर सकेंगे आय से अधिक संपत्ति का केस। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना, राज्य में 1123 केस आए सामने। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित, इन स्टारों की हुई वापसी। अब खबरें विस्तार से। वंशावली में बहन बेटी का नाम देना अनिवार्य। बीते दिन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया खतियान बनवाने के लिए वंशावली में प्रत्येक परिवार की बहनों का नाम भी उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि बहनों के नाम को वंशावली में शामिल नहीं किया गया तो दस्तावेज अधूरे माने जाएंगे। पदाधिकारी ने कहा कि यदि बहनें अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो उन्हें एक वैकल्पिक प्रक्रिया अपनानी होगी। परिवार को एक शेड्यूल बनाकर देना होगा जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि बहनें पिता की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं रखती हैं। इसके बाद बहनें शिविर कार्यालय में लिखित रूप से इसकी पुष्टि करेंगी, जिससे नया खतियान केवल भाइयों के नाम पर ही बनेगा। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों को नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ देने की घोषणा की है। वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार इन तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर की जाएगी। इससे पहले इन तारीखों पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वेतन वृद्धि के मुद्दे पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि सरकारी कर्मियों की वेतन वृद्धि 1 जुलाई और 1 जनवरी से लागू होती है, लेकिन अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए इस समस्या का समाधान हो गया है। पानी की क्वालिटी जांचने में पिछड़ा बिहार। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार के 13 जिले आर्सेनिक, 11 जिले फ्लोराइड और 9 जिले आयरन के प्रभाव से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद गांव की महिलाओं को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। राज्य के कुल 37,169 गांव में से केवल 211 गांव की 383 महिलाओं को ही फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। बता दें, योजना के तहत प्रत्येक गांव की 5 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे बहुत पीछे है। गया और सीतामढ़ी जिलों में सबसे अधिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं बिहार के 25 जिलों में अभी तक एक भी महिला को पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इन जिलों में औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और सिवान शामिल है। 1,00,000 प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आंसू लिपिक होंगे प्रशिक्षित। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कार्यालयों में तैनात 1,00,000 से अधिक प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आंसू लिपिकों को अब विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेपार्ट के महानिदेशक के पाठक ने बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह को पत्र लिखकर इस प्रशिक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की मांग की है। यह प्रशिक्षण 1 सप्ताह का होगा और बेपार्ट इसकी पूरी लागत वहन करेगा। डीआईजी से नीचे रैंक के अधिकारी दर्ज नहीं कर सकेंगे आय से अधिक संपत्ति का केस। अब भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले विभाग के अवर सचिव या इससे ऊपर के अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामलों में केस दर्ज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी डीआईजी रैंक के अधिकारियों को दी गई है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई मामले में 3 साल पहले ही केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। अब उस आदेश का पालन करने का निर्देश निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने राज्य सरकार के सभी महकमों के प्रधान को दिया है।
डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना, राज्य में 1123 केस आए सामने। बिहार में डेंगू के मामलों में भारी बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई चुनौती दे दी है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 55 नए डेंगू केस सामने आए हैं और राजधानी पटना डेंगू का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। पटना से 27 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें शहर में डेंगू की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस सीजन में बिहार में अब तक कुल 1123 डेंगू केस सामने आ चुके हैं। पटना में अकेले 523 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 65, 55 और 51 केस रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक डेंगू से प्रदेश में 6 मौतें हो चुकी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के टॉपर्स को मिलेगा इसरो का दौरा करने का मौका। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले मेघावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। बता दें, राज्य की कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के टॉपर्स को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बेंगलुरु स्थित केंद्र का दौरा करने का मौका मिलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत कुल 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। इनमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक छात्र और एक छात्र शामिल होंगे। जिन जिलों में प्रखंडों की संख्या 18 से अधिक है, वहां से 2 छात्र और 2 छात्राओं को इस यात्रा पर भेजा जाएगा। इसके अलावा इसरो दौरे पर 9 जिलों के 20 शिक्षक भी साथ जाएंगे। पटना से 4 और बाकी जिलों से 2-2 शिक्षक इस यात्रा में शामिल होंगे। बीडीओ, सीओ और अन्य कर्मियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। कृषि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले के सभी बीडीओ, सीओ और अन्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि रिपोर्ट तैयार करने की विधि से लेकर भूमि उपयोग विवरण के आंकड़ों के संग्रहण तक की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण सहकार्यशाला 9 से 13 सितम्बर तक आयोजित की जाएगी। पटना सदर और सिटी अनुमंडल के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण 13 सितंबर को पटना में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में होगा। इसके अलावा मसौढ़ी अनुमंडल में 9 सितंबर, पालीगंज अनुमंडल में 10 सितंबर, बाढ़ अनुमंडल में 11 सितंबर, दानापुर अनुमंडल में 12 सितंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में दर्जन भर प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति पर संकट। राज्य में दर्जनों अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य हटाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के करीब दर्जन भर प्रभारी प्राचार्य हटाए जाने वाले हैं। इनमें कई प्राचार्य सहायक प्राध्यापक या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर लौटेंगे। इन प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति में वरीयता के नियमों को दरकिनार किया गया था और ये मुद्दा हाल ही में बिहार विधानसभा में भी उठाया गया था। राजभवन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही कुलपति के किसी भी नीतिगत निर्णय पर रोक लगा दी गई है, जब तक कि इस मामले में पूरी जांच नहीं हो जाती। शिक्षकों से भरी नाव गंडक नदी में पलटी, नाव पर 30 लोग थे सवार। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के तेज बहाव में एक नाव पलट, जिसमें दियारा इलाके के स्कूल के करीब 30 लोग सवार थे। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के पाटजिरवा घाट की है। बताया जा रहा है कि नाव में सवार लोग दियारा इलाके की ओर जा रहे थे, तभी तेज धार के कारण नाव पलट गई और सभी लोग नदी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग और शिक्षकों ने विभाग से इस लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। YouTube पर देखकर डॉक्टर ने कर दिया बच्चे का इलाज, हुई मौत। बिहार के छपरा से खबर है, जहां पथरी के दर्द से परेशान बच्चे को लेकर उसके माता पिता डॉक्टर से सलाह लेने गए थे, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो कि परिजनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर मोबाइल में यूट्यूब पर देख कर बच्चे का ऑपरेशन कर रहा था। इसके बाद जब बच्चे की हालत खराब हो गई तो बच्चे को दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात डॉक्टर ने कहा, और जब बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल में उनके परिजन जा रहे थे, इसी दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। ये घटना छपरा के
मोतीराजपुर धर्मबाग स्थित गणपति सेवा सदन नाम के एक नर्सिंग होम की है। वही मृतक मढ़ौड़ा थाना के भोवालपुर निवासी चंदन साह का 15 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार उर्फ गोलू कुमार बताया जा रहा है। इस मामले पर प्रशिक्षु डीएसपी ईसा गुप्ता द्वारा बताया गया है कि पूरे घटना में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। चिराग से सुलह की संभावना पर चाचा पशुपति पारस का बयान, अब बहुत देर हो चुकी है। राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पारस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब सुलह का समय बीत चुका है और अब ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पार्टियां टूटती हैं तो जुट जाती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो नहीं जुट सकते हैं। पारस ने कहा कि परिवार एक था और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों अलग हो गए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे इंजीनियर अभिषेक झा। बिहार में आगामी उपचुनाव के लिए जेडीयू ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियर अभिषेक झा को चुनावी तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद इंजीनियर अभिषेक झा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके घर जाकर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की है। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने से एक सीट जो है खाली हो गई थी। इस खाली सीट के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया 14 दिसंबर तक पूरी करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार घोषित किया है। पटना में बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद गरमाई सियासत। आज सुबह अपराधियों ने बीजेपी के नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर मर्डर कर दी। घटना तब हुई जब बीजेपी नेता ने चेन छिनतई का विरोध किया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध जो है बढ़ गया है और अपराधी जो है बेखौफ होकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस घटना से जुड़ी एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें 3 अपराधियों को भाजपा नेता की चेन छीनते हुए देखा जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित, इन स्टारों की हुई वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी खुशखबरी मिली है, खासकर उन फैंस के लिए जो स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बल्लेबाज केएल राहुल की टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 19 सितम्बर से चेन्नई में शुरू होगी, जबकि दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जाना है। पंत की वापसी का खास महत्व इसलिए क्योंकि 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद वे टेस्ट क्रिकेट में लौट रहे हैं। इसके अलावा सरफराज खान को भी इस बार टीम में शामिल किया गया है। केएल राहुल भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। वही तेज गेंदबाज यश दयाल को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है, लेकिन मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिल पाई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, गुणर शर्मा, छोटू रजा, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, रवि कुमार राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नौशाद रजा, सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आप मच्छरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ आप बने रहने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।